फिर 15 मिनट लेट हो तुम लोग। सर हमारी रॉकेट की हवा निकल गई थी। अच्छा आज फिर से बहाना, अभी हम तुम्हारी हवा निकालता हूँ। चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ चलो फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 4। ये क्या, पीटी पीरियड में भी मुर्गे? ये तो ठीक ना है। क्या बात है दुबे जी, बुध और बद्री को मुर्गा क्यों बनाया है? ये तो मुर्गा ही बनने आते हैं स्कूल, हमेशा लेट। लेकिन दुबे जी, रोज रोज मुर्गा बढ़ाओगे तो ये हमेशा के लिए मुर्गे बन जाएंगे। तो आप ही बताइए सर, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। लेकिन हमारी समझ में आ गया है, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। तुम दोनों लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ किताबों को ठीक से लगाने में लाइब्रेरियन की मदद करो। ध्यान से, इतना होने के बाद वहाँ आ जाना, ठीक है? यस मैम। अच्छा हुआ हमें किताबें सिर्फ अरेंज करने के लिए कहा है। हाँ, पढ़ने के लिए कहते तो हमारे लिए मुर्गे से भी बड़ी सजा हो जाती। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, तो मेरा काम कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। चलो फिर से लगाओ सब किताबें और ध्यान से। अरे ये क्या है? डायरी। डायरी किसकी है? एम के राठी 1930। बाप रे, राठी सर इतने बूढ़े हैं? अरे ये अपने राठी सर की नहीं, राठी सर के दादाजी की डायरी है। 20 अक्टूबर, आज हमें फिर पाठशाला पहुंचने के लिए देर हो गई। तुम दोनों आज फिर देर से आए। गुरुजी, रास्ते में मेरी चवन्नी खो गई थी, उसे ढूंढने में देर हो गई। अच्छा और तुम राठी, तुम क्यों देर से आए हो? तुम्हारी अठन्नी गिर गई होगी? हाँ नहीं गुरुजी, मैं तो इसकी चवन्नी पे पैर रख के खड़ा था ताकि कोई और न उठा ले। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, जाओ जाकर मुर्गा बनो। अरे वाह, राठी सर के दादाजी भी हमारे जैसे ही थे। अरे चल छुट्टी हो गई, कैंटीन चलते हैं। तू चल मैं आता हूँ। अरे ज्यादा डायरी मत पढ़, डायरिया हो जाएगा। दादाजी मैंने आपकी डायरी पढ़ी, आप भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। अरे दादाजी ने स्माइल किया। पार्टनर ने मुझे स्माइल दी। किसने? सबीना ने? नहीं। तो क्या जीवा ने? अरे उसने भी नहीं। अरे तो क्या राठी सर ने स्माइल दी तुझे? अरे राठी सर के दादाजी ने स्माइल दी है। हाँ दादाजी, अरे तू होश में तो है? दादाजी तो कब के स्टैच्यू हो गए। अरे उसी स्टैच्यू ने तो स्माइल दी है। क्या बुध, लगता है भूख की वजह से तेरा दिमाग हिल गया है। चल बैठ खाना खा ले। बद्री मैं सच कह रहा हूँ। अरे तू फिर शुरू हो गया, अभी अभी खाना खाया है, थोड़ा सो लेने दे यार। देख अब तो मेरा पेट भी भरा है ना, लेकिन मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि दादाजी के स्टैचू ने स्माइल दी थी। ओहो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल दिखा मुझे दादाजी की स्माइल। अरे यार 10 मिनट हो गए खड़े खड़े, कब स्माइल करेंगे दादाजी? तू अकेला खड़ा है क्या? दादाजी भी खड़े हैं ना। एक काम कर, तू कोई जोक सुना, फिर देख दादाजी जरूर स्माइल करेंगे, है ना दादाजी? देख देख दादाजी ने आँख मारी। तू क्या बोल रहा है, ना उन्होंने स्माइल दी और ना ही आँख मारी। क्या दादाजी, मेरे दोस्त के सामने आपने मेरी बेइज्जती खराब कर दी,
एक स्माइल दे ही देते। जो मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ उनको स्माइल करता हूँ। ये कौन बोला? मैं बोला दादाजी। अरे आप बोलने भी लगे दादाजी। हाँ, सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकते हो। ललंटा।